बड़ौदा में कांग्रेस अपनी जीत का दम भर रही है। बड़ौदा से कांग्रेस उम्मीदवार श्री कृष्ण हुड्डा जनता के बीच जाकर कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हैं। श्री कृष्ण हुड्डा ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा, प्रदेश की जनता फिर से कांग्रेस को सत्ता सौंपने वाली है। बड़ौदा विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हुड्डा सरकार के काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। श्री कृष्ण हुड्डा ने कहा कि हुड्डा सरकार ने प्रदेश में 10 साल विकास के काम किए। हुड्डा सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया, जिसके चलते प्रदेश की जनता कांग्रेस को फिर से सत्ता मिलाने का काम करेगी। वर्करों का काफी हौसला है और उनका हौसला मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। मुझे पता है, मुझे आशा हुई, उम्मीद हुई, अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहन सेलदार भाई भूपेंद्र के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस की सरकार गठित होगी। आजकल ये लोग हैं ना, कोई बकाई में नहीं आता। आज सब भुगत भोगी हैं तीनों पार्टियों की। 2005 से पहले का शासन इन्होंने देख लिया, कांग्रेस पार्टी का भाई भूपेंद्र का शासन देखा और ये बीजेपी का शासन देख चुके। सबके घर में बेरोजगार रोजगार बीएम में लड़के बैठे हैं, कोई बहकाया नहीं जा सकता। सब ने पता है अगर हमारा भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है, किसके टाइम में हमारा विकास हुआ और किसके टाइम में हमारा विकास नहीं हुआ। बड़ौदा के विधायक व कांग्रेसी उम्मीदवार श्री कृष्ण हुड्डा ने जनसंपर्क चलाया। श्री कृष्ण हुड्डा के समर्थन में लोगों की काफी भीड़ भी दिखाई दी। अब देखना होगा कि 24 अक्टूबर को इस भीड़ का वोट श्री कृष्ण हुड्डा को मिलता है या नहीं। बड़ौदा से खबरें अभी तक के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट।